तो दोस्तों आपको तो पता है यूट्यूब पे जब हम पहले देखते थे कुछ दिन पहले, तो हम जब कौन सा वीडियो देखते थे तो नीचे जो डिसलाइक और लाइक रहता था वो दोनों भी काउंट होता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो लाइक रहते हैं वही काउंटर है और जो डिसलाइक रहते हैं वो काउंटर है, लेकिन हमें डिस्प्ले नहीं कर रहा है यूट्यूब। तो दोस्तों क्यों नहीं कर रहा है, कहीं के लिए नहीं कर रहा है, वही हम ये वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। तो दोस्तों जब YouTube नवा नवा आया था तो उसके ऊपर लाइक का एक बटन था, और कोई भी YouTube के ऊपर कौन सा वीडियो देखता था तो उसके ऊपर सिर्फ लाइक ही कर सकता था और डिसलाइक नहीं कर सकता था। तो जैसे जैसे YouTube वहाँ पे अपडेट होते गया या फिर अपग्रेड होते गया, उसके बाद वहाँ पे डिसलाइक का बटन लाया गया था। YouTube के ऊपर डिसलाइक का बटन लाने का एक ही कारण था। अब दोस्तों YouTube के ऊपर रोज हजारों लाखों वीडियो अपलोड किए जाते हैं, अब उससे YouTube को तो पता नहीं चलता है कौन सा वीडियो अच्छा है कौन सा वीडियो खराब है, तो YouTube ये कैसा पहचानेगा। तो YouTube ने इसके लिए डिसलाइक का बटन लाया था। अब YouTube सोच रहा था डिसलाइक का बटन लाने के बाद अगर कौन से भी वीडियो पे ज़्यादा डिसलाइक रहेंगे, लाइक से ज़्यादा डिसलाइक रहेंगे, तो वीडियो को खराब माना जाएगा या फिर वो वीडियो के अंदर कुछ खराबी या फिर वो वीडियो अच्छा नहीं है ऐसा समझा जाएगा। इसके लिए YouTube ने डिसलाइक का बटन लाया था, लेकिन दोस्तों वहाँ पे कुछ उल्टा ही हो रहा था। अब दोस्तों YouTube के ऊपर ऐसे बहुत सारे क्रिएटर है जो कि बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं और नॉलेजफुल वीडियो बनाते हैं, लेकिन दोस्तों उनके वीडियो पे फिर भी वहाँ पे डिसलाइक ज़्यादा आते हैं कंपेयर टू लाइक से। तो दोस्तों किसके कारण आते हैं तो आपको पता है, YouTube के ऊपर एक हेटर नाम का प्राणी रहता है जो कि अच्छे क्रिएटरों को हेट करता है। तो दोस्तों उससे क्या हो रहा था, अब वीडियो तो अच्छे बना रहे YouTube क्रिएटर आ, लेकिन जो हेटर रहते हैं ना उनके वजह से उनके वीडियो के ऊपर डिसलाइक ज़्यादा आ रहे थे। और आपको बताऊंगा दोस्तों, अगर कोई ने अच्छा वीडियो डाला अगर वो वीडियो के ऊपर ज़्यादा डिसलाइक रहेंगे तो वीडियो को अगर जो कोई नवा पर्सन देखता है या फिर व्यूअर देखता है तो वीडियो में अच्छा नहीं है समझेंगे। अगर वो वीडियो अच्छा भी है, वीडियो के अंदर अच्छा नॉलेज भी है, लेकिन वो वीडियो के ऊपर डिसलाइक ज़्यादा रहेंगे कंपेयर टू लाइक, तो वीडियो को जो व्यूअर है नवा देखने वाला उसे लगाएंगे कि वो वीडियो के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं और ख़राब है, तो वो पर्सन भी जो नवा व्यूअर रहेगा वो वीडियो को वहाँ डिसलाइक करके जाएगा। तो दोस्तों इसी के कारण ये जो हेटर है इनके कारण ही YouTube ने जो वीडियो के ऊपर डिसलाइक की काउंटिंग होती थी, जो हमें डिस्प्ले करता था ये वीडियो पे कितने डिसलाइक है कितने नहीं, वो डिसेबल कर दिया है। अब हमें वहाँ पे वीडियो के ऊपर लाइक ही दिखते हैं, डिसलाइक नहीं दिखते। वो डिसलाइक किसे दिखेंगे दोस्तों, सिर्फ उसे दिखेंगे जो ने वो वीडियो को अपलोड किया, वो भी जो उसके वाइट स्टूडियो रहता है एनालिटिकल, वहाँ पे दिखेंगे उसके कितने डिसलाइक आए कितने नहीं, और जो व्यूअर रहेंगे उन्हें नहीं दिखेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपडेट लाया है यहाँ पे यूट्यूब ने, क्यों तो दोस्तों अच्छे वीडियो बनाने के बाद भी अगर डिसलाइक ज़्यादा आए तो फिर वो मेहनत काम की नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का वीडियो तो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना।